नमस्कार, आपका स्वागत है द हिंदू न्यूज एनालिसिस में। यह करेंट अफेयर्स पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से ही इसे तैयार किया गया है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि कोशिश हुई है कि करंट अफेयर्स का कोई भी एरिया न छूटे। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य का झंडा कैबिनेट से पास करवाया है और इसे केंद्र सरकार को भेजने वाली है संवैधानिक परमिशन के लिए? आंसर है कर्नाटक। वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 8 मार्च को इस झंडे को पब्लिकली दिखाया। वो 3 रंग का है, ये रहा आपके सामने। उन्होंने कहा है कि झंडे से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के नीचे ही फहराया जाएगा और किसी तरह का इससे उल्लंघन नहीं होता है। अब क्यों ऐसा हुआ है अचानक? तो वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और चुनावी दांव पेच चल रहा है, उसमें सिद्धारमैया ने भी अपना एक दांव खेला है। देश में जम्मू कश्मीर ही इकलौता राज्य है जिसका अपना एक झंडा है। अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे देती है तो ये देश का दूसरा राज्य होगा जहां अपना झंडा होगा। इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर के पास अपना अलग झंडा है। हालांकि इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संविधान में एक झंडा एक देश के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया था कि तिरंगा ही पूरे देश का ध्वज है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि राज्यों के लिए अलग झंडे की अनुमति दी जाए, और ऐसा भी नहीं है कि अलग झंडे को प्रतिबंधित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कितनी रकम का बजट विधानसभा में पेश किया है? आंसर है 1,91,000 करोड़ रुपये का बजट। 8 मार्च को वहाँ के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है विधानसभा में। इसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले बजट में 21.69% की बढ़ोतरी की गई है। जो पिछला बजट था राज्य का वो 1.56 लाख करोड़ रुपए का था। इम्पोर्टेंट ये है कि राज्य के प्रति व्यक्ति सालाना आय में 14.87% की बढ़ोतरी हुई है। अब वहाँ पर प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,42,054 रुपया हो गया है। बजट पेश करने के दौरान एक अच्छी बात ये बताई गई कि 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 11.01% रही, जबकि इस दौरान पूरे देश की वृद्धि दर 7.1% दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन भी इसी राज्य से जुड़ा है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर किन दो केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा है प्रधानमंत्री को? आंसर है केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री YS चौधरी। ये दोनों तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के सांसद हैं और इसी कोटे से मंत्री बने थे। पार्टी ने मोदी सरकार से नाता तोड़ लिया है, हालांकि वह अभी NDA के सदस्य बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में TDP की सरकार है और CM चंद्रबाबू नायडू हैं। तो इस इस्तीफे की प्रतिक्रिया में BJP के मंत्रियों ने भी वहाँ जो स्थानीय सरकार है राज्य की, उससे इस्तीफा दे दिया है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ होना है। दरअसल आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने, दूसरी ओर बिहार में भी अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आवाज़ उठने लगी है। वहाँ का विपक्षी दल यानी राजद ने इस बात को उठाया है बहुत जोर शोर से। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे हम इंडिया और चाइना के रिश्ते में कम हो रही करवाहट पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर है नेफ्यू रियो। उन्हें राज्यपाल PB आचार्य ने शपथ दिलाई है 8 मार्च को। वह NDPP के नेता हैं और चौथी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। वह भाजपा के साथ गठबंधन वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्यपाल ने रियो से 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संसद में चालू वित्त वर्ष यानी 2017-18 के लिए कितनी राशि के अनुदान के लिए पूरक मांगे पेश की हैं? पूरक मांगे मतलब सप्लीमेंट्री डिमांड, जो बजट से अलग होती है। तो आंसर है 85,315 करोड़ रुपए। ऐसा सरकार का खर्चा चलाने के लिए किया गया है। अब आपके मन में होगा कि आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो दरअसल GST लागू होने के बाद राज्यों को जो राजस्व की हानि हुई है उसकी भरपाई के लिए धनराशि की ज़रूरत पड़ गई है, और इसी की वजह से सरकार का बजटीय गणित बिगड़ गया है। इस रकम से लगभग 70% राशि का इस्तेमाल राज्यों को GST के चलते हुई हानि की भरपाई करने के लिए किया जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त राशि के खर्च होने से सरकार के 3.5%
राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और बात बता दूं कि चालू वित्त वर्ष यानी 2017-18 में यह चौथा मौका है जब सरकार ने अनुदान की मांगें पेश की हैं। तो ये जो अभी सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की गई है वो रुपए कहाँ से आएंगे? अब सवाल ये भी है, तो ये रुपए जो है तमाम जो मिनिस्ट्री के खर्चे हैं उन सबको कम करके और इधर खर्चा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की नेता आंग सान सू की से कौन सा ताज़ा पुरस्कार छीन लिया गया है? आंसर है एली विजल अवार्ड। ये अवार्ड अमेरिका के होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम ने 2012 में दिया था। इससे पहले भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड अवार्ड को वापस ले लिया था। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में लगाई गई उनकी तस्वीर भी हटा दी गई थी। अब सवाल है कि अवार्ड छीनने की वजह क्या है? तो आपको पता ही होगा कि म्यांमार के रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जबरदस्त हिंसा हो रही है। लगभग 7 लाख लोग देश छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली नेता और नोबल प्राइज विजेता आंग सान सू की इस हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन इसके विपरीत उनकी पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र का सहयोग करने से मना कर दिया। पत्रकारों को भी रखाइन राज्य में जाने की अनुमति नहीं है और वहां के अपराधों को उजागर करने से रोक दिया गया है। तो पूरी दुनिया में इस हिंसा के खिलाफ आवाज़ न उठाने के लिए आंग सान सू की आलोचना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? आंसर है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, ऐसा शायद ही कोई होगा जो बीसीसीआई की चर्चा रोज ना करता हो, लेकिन ज़्यादातर को इसका फुल फॉर्म पता नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। अब सवाल है कि इसकी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? तो बता दूं कि बीसीसीआई ने नए ग्रेडिंग सिस्टम की घोषणा की है। इसमें ग्रेड ए प्लस में 5 खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। ग्रेड ए में महेंद्र सिंह धोनी के साथ रविचंद्र अश्विनी, रविंद्र जडेजा, मुरली विजय, चतेश्वर पुजारा, अजिंक रहाणे और रिद्धिमान साह का नाम शामिल है। धोनी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और ग्रेड ए प्लस उन्हें नहीं रखने की ये बड़ी वजह माना जा रहा है। ग्रेड बी में केएल राहुल, उमेश यादव, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा और दिनेश कार्तिक का नाम शामिल है। ग्रेड सी में शामिल खिलाड़ियों में केदार जाधव, मनीष पांडे, अक्षय पटेल, करुण नायर, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल और जयंत यादव हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कॉन्ट्रैक्ट में स्थान नहीं मिला है। अच्छा, एक और बता दूं कि ये ग्रेड का मतलब क्या है। तो ग्रेड ए प्लस में आने वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़, ग्रेड ए के खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को सालाना 3 करोड़ और ग्रेड सी के खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए मेहनताने के रूप में मिलता है। आगे है, इंडिया और चीन के रिश्ते की करवाहट कम होती दिख रही है। इंडिया को लेकर चीन के सुर बदल गए हैं, आखिर क्यों? यह जानना करंट अफेयर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन की एकजुटता पर जोर दिया है और उन्होंने 8 मार्च को वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीनी ड्रैगन और भारतीय एलिफेंट यानी हाथी को आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ नाचना चाहिए। अगर चीन और भारत एकजुट हो जाएं तो एक और एक मिलाकर 2 की जगह 11 बन जाएंगे। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि राजनीतिक विश्वास हो तो हिमालय भी हमारे दोस्ताना संबंधों को रोक नहीं सकता है। तो अब सवाल है कि आखिर डोकलामा पर तनाव के बाद अचानक कैसे चीन की आक्रामकता कम हो गई है? तो बता दूं कि पिछले कुछ महीने से इंडिया और चाइना के बीच गंभीर बातचीत चल रही है, अंदर अंदर डिप्लोमेसी चल रही है। हाल ही में विदेश सचिव विजय गोखले ने अचानक चीन का दौरा किया था। अंदर खाने इंडिया चीन के साथ शांति चाह रहा है। हाल की गतिविधि को देखें तो इंडिया ने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा की गतिविधि को कंट्रोल करने की कोशिश की है। दिल्ली में दलाई लामा के 2 प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है। 31 मार्च 2018 को गांधी समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा होनी थी, उसे रद्द कर दिया गया। 1 अप्रैल 2018 को यानी आगे आने वाले दिनों में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में थैंक यू इंडिया प्रोग्राम होना था, इसे भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोनों ही प्रोग्राम में दलाई लामा मौजूद होने थे और संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब दलाई लामा के बड़े कार्यक्रमों को इंडिया ने स्थगित करवा दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है
कि दलाई लामा को लेकर इंडिया की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, फिर भी जो हालात हम लोगों को दिख रहे हैं उससे तो चीन को खुश करने की एक कोशिश सी दिख रही है। दूसरी ओर डोकलाम में चीन निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन इंडिया की प्रतिक्रिया पिछले साल जैसी आक्रामक नहीं दिख रही है। अब आपसे इतनी चर्चा कर चुके हैं तो यह भी बता देते हैं कि आखिर क्यों इंडिया का रुख बदल रहा है। तो माना जा रहा है कि इसके पीछे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO या इंग्लिश में कहें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आगामी बैठक है। अगले कुछ महीने में चीन में यह बैठक होने वाली है। इसमें शामिल होने के लिए PM नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि मोदी की यात्रा से पहले चीन के साथ तल्खी और बढ़े। इंडिया की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आधिकारिक यात्रा पर इसी साल इंडिया आमंत्रित किया जाए ताकि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। एक और बात सामने आ रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति को सदी का सबसे बड़ा नेता बताकर दोनों देशों के रिश्तों को संभालने की कोशिश की है। ऐसे में भारत भी सतर्क रहना चाहता है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में अभी बातचीत चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं चीन की भूमिका है। चीन चाह रहा है कि इस इलाके में थोड़ी शांति हो, तनाव ना हो, ताकि उसके जो व्यापारिक हित हैं उसका नुकसान ना हो। आगे है अब डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरह स्टूडेंट्स 12th के बाद सीधे शिक्षक बन सकेंगे, कोर्स कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें सीधे BEd में एडमिशन दिलाया जाएगा। देश में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए सरकार एकीकृत BEd पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है जो 4 साल का होगा। इसको लेकर सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया है। मौजूदा समय में BA, BSc जैसी डिग्री लेने के बाद ही यानी ग्रेजुएशन के बाद ही BEd में प्रवेश मिलता है। ऐसे में कई छात्र यदि शिक्षक बनना भी चाहते हैं तो उनको 5 साल लग जाते हैं। तो BEd के नए पाठ्यक्रम के तहत शुरू से ही शिक्षक बनने के लिए इच्छुक छात्र सीधे 12th के बाद इसमें प्रवेश ले सकेंगे। नेशनल टीचर्स एजुकेशन काउंसिल ने इसके तहत नए कोर्स को डिजाइन किया है। उसमें BA BEd और BSc BEd जैसे कोर्स शामिल किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं देश में अनएम्प्लॉयमेंट पर। राज्यसभा में हाल ही में सरकार से पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर द हिंदू ने आज यानी 9 मार्च को न्यूज़पेपर में आंकड़ा पेश किया है। यह आंकड़ा 2015-16 का है। इसके अनुसार सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट केरल में 10.6% है और ये भी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वहीं पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 10.2% और त्रिपुरा में 10% अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे कम बेरोजगारी गुजरात में है, यहाँ सिर्फ 0.6% लोग ही बेरोजगार हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 1.2% और कर्नाटक में 1.4% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 9 मार्च का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए ज़रूर, ताकि हम भी मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। और हाँ, तमाम व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल पर नहीं मिल रहा है तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, देखिए इस तरह। और जिन्हें नोटिफिकेशन मिला है वो इसको फिर से ना दबाएं, क्योंकि ऐसा करने पर नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।